मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। तो अपन ने कल क्या है कि कल कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था अपन ने? कल अपन ने कंप्लीट किया था कि जो स्थूल निकाय हैं उनके मध्य अन्योन्य क्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो अपन फर्दर आगे चलते हैं, तो आगे अपन पढ़ते हैं कि जो ये अन्योन्य क्रिया होती है ना ऊर्जा विनिमय के आधार पे, अपन ने देखा था कि ऊर्जा का अगर एक निकाय में ऊर्जा कम हो रही है तो दूसरे निकाय में ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और अगर दूसरे निकाय में ऊर्जा में कमी वो वृद्धि हो रही है तो इस वाले निकाय में ऊर्जा में कमी हो जाती है। तो यानी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कि अगर यहाँ एनर्जी बढ़ रही है तो इधर वाले में कम हो जाएगी, और अगर इधर कम हो रही है तो इधर वाले में बढ़ जाएगी। यानी टोटल एनर्जी हमेशा, कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है। तो अपन ने फर्दर कहाँ तक कर लिए थे? ये स्थूल वाला जो टॉपिक था, स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया, तो वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब अपन फर्दर आगे चलते हैं, तो आगे अपन देखेंगे कि ऊर्जा विनिमय के आधार पे अन्योन्य क्रिया दो प्रकार की होती है। पहले मैं बता देता हूँ, फिर लिखवा तो मैं दूंगा ही आपको। तो एक तो होती है कि उष्मीय अन्योन्य क्रिया, और एक होती है रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। तो उष्मीय अन्योन्य क्रिया क्या होती है कि वे अन्योन्य क्रिया हैं जिनमें बाह्य प्राचल, अब बाह्य प्राचल जो मैंने फर्स्ट क्लास थी वहीं पे बताया था कि बाह्य प्राचल क्या होते हैं। तो आपने अगर वो फर्स्ट क्लास देखी होगी तो सही रहेगा। वैसे मैं एक बार और बता देता हूँ कि बाह्य प्राचल क्या होता है, कि बाह्य प्राचल वो होता है जो किसी सिस्टम निकाय पे सीधा इफेक्ट डालते हैं। और बाह्य प्राचल में क्या क्या आता है कि जैसे टेम्परेचर आ गया, ताप आ गया, दाब आ गया, क्षेत्रफल आ गया, एक्सटर्नल यानी बाह्य, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो गए, ये सारे क्या बाह्य वो प्राचलों में आते हैं, बाह्य प्राचलों में आते हैं। तो वे अन्योन्य क्रिया है जिनके लिए बाह्य प्राचल तथा ऊर्जा स्तर, अब ऊर्जा स्तर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ऊर्जा स्तर आपने ये पढ़े होंगे ना कि मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या, ये सारे क्या है कि ये ऊर्जा स्तर से, ऊर्जा स्तर के समुच्चय होते हैं। ये जो ये ऊर्जा स्तर होते हैं ना, इन क्वांटम संख्याओं के समुच्चय होते हैं। तो ये ऊर्जा स्तर और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है। तो वे अन्योन्य क्रियाएं जिनके लिए बाह्य प्राचल तथा ऊर्जा स्तर नियत हो, अन्योन्य उसमें अन्योन्य क्रियाएं कहलाती है। अच्छा, कि यदि अब उसमें अन्योन्य क्रिया होती है कि अगर निकाय, अगर उष्मा का, अगर निकाय में ये उष्मा की वृद्धि हो रही है तो सीधी सी बात है कि उसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है। जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये हैं, और अगर उसमें आप किसी से 10 रुपये और ले लिए तो आपके तो 10 रुपये हैं, उसमें तो वृद्धि हो ही रही है ना। तो वो उसमें क्या हो जाएगा, आप अवशोषण करे हो यानी किसी से लिए हो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो तो अवशोषण कहलाता है। और अगर आपके पास मान लो 10 रुपये और आपने 10 रुपये दे दिए, 5 रुपये किसी को दे दिए, तो आपके पास तो कमी हो गई, तो वो क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। तो यही उसमें अन्योन्य क्रिया का एग्जाम्पल्स हैं। तो जो मैंने आपको बिल्कुल जनरली एक जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, उस हिसाब से मैंने आपको इसका एग्जांपल बता दिया है। तो मेरा प्रिंसिपल यही है कि मैं यही देखता हूँ कि जो कि कोई भी चीज़ हो फिजिक्स में, वो मैं आपको जो जनरली है ना, जो अपने नेचर में चल रहा है, उन सब चीज़ों से रिलेट करके ही बताता हूँ मैं। तभी तो मैं इतनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज लिखवाता हूँ, वरना तो आप बुक से पढ़ोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आना। तो अपन क्या लिखते हैं कि ऊर्जा विनिमय के आधार पर ऊष्मा विनिमय लिख लो, ऊष्मा विनिमय के आधार पर अन्योन्य क्रिया दो प्रकार की होती है। अच्छा, पहली तो क्या होती है कि उसमें अन्योन्य क्रिया, और जो सेकंड होती है वो क्या होती है, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। अच्छा, तो मैं एक आपको रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया का भी मैं आपको बता देता हूँ कि वे अन्योन्य क्रिया जिनके लिए बाह्य प्राचल तथा ऊर्जा स्तर नियत ना हो, बस यही मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है।
तो यही अपने रुद्रोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाती है। और जो रुद्रोष्म अन्योन्य क्रिया होती है ना, इसमें अपन क्या है कि उष्मारोधित पदार्थों का यूज करते हैं जिसमें उष्मा का संचरण नहीं हो। भाई जनरली यार उष्मारोधित पदार्थ ही होते हैं जहाँ से उष्मा का संचरण नहीं हो, उष्मारोधित पदार्थ कहलाते हैं। और वो क्या होते हैं, जैसे फाइबर ग्लास रहा अपन, शायद अब्रक और ऐसे कुछ है, एक नाम हो रहा है अपन, वो भी क्या है उसमें उष्मारोधित पदार्थों में अपन यूज में लेते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसमें अन्योन्य क्रिया। तो ये मैं लाइन मिटा ही देता हूँ, आप लिख लेना। तो उसमें अन्योन्य क्रिया क्या होती है कि वह अन्योन्य क्रिया या वे अन्योन्य क्रिया जिसमें बाह्य प्राचल तथा ऊर्जा स्तर नियत हो। वे अन्योन्य क्रिया जिसमें बाह्य प्राचल, अब बाह्य प्राचल क्या होता है, अभी मैंने बताया था ताप दाब क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें क्या आती है, बाह्य प्राचलों में आती है। बाह्य प्राचल तथा ऊर्जा स्तर नियत हो उसमें अन्योन्य क्रिया कहलाती है। अच्छा ये तो हो गई उसमें अन्योन्य क्रिया। अब मैंने क्या बताया था कि यदि किसी निकाय में ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो वह उष्मा का अवशोषण करता है, या उष्मा में वृद्धि हो रही है तो उष्मा का अवशोषण करता है, और कमी होती है तो उष्मा का उत्सर्जन करता है। तो ये बात भी अपन लिख लेते हैं। यदि किसी निकाय में उष्मा में वृद्धि होती है उष्मा लिख लो ऊर्जा लिख लो एक ही बात है, ऊर्जा भी लिख लेना यहां लिखना चाहो तो, उष्मा या ऊर्जा में वृद्धि होती है तो वह उष्मा का अवशोषण करता है। और यदि निकाय में ऊर्जा में कमी होती है या उष्मा में कमी होती है, ऊर्जा में कमी होती है तो वह उष्मा का उत्सर्जन करता है। एक मिनट, आप प्रिंसिपल सर से बात करना है इस बारे में। रुद्रोष में अन्योन्य क्रिया, अच्छा रुद्रोष में अन्योन्य क्रिया क्या होती है कि वह अन्योन्य क्रिया जिसमें बाह्य प्राचल और ऊर्जा स्तर नियत न हो। अब जो उसमें अन्योन्य क्रिया थी उसमें तो नियत थे, और जो रुद्रोष में अन्योन्य क्रिया होती है उसमें नियत नहीं होते। अब तुम्हें बाह्य प्राचल का पता है कि बाह्य प्राचल क्या होता है, शायद आप आए थे उस दिन, आप मैंने उस दिन वाली क्लास में बताया था आपको, तुम तो आए थे, हाँ तुम आए थे, क्या होते हैं बाह्य प्राचल, अब नोटबुक लाते लिखते तो याद भी रहते, देख लेते कभी भूले भटके,
तो अगर आगे से आओगे ना तो नोटबुक लेके ही आना, वरना फिर तो मैं नहीं बैठने दूंगा। देखो सही बात ये है, रेगुलर आओ, 8:30 बजे पहुँच जाओ आप यहाँ पे, मैं तो बिल्कुल टाइम पे एग्जैक्टली पहुँच ही जाता हूँ। तो बाह्य प्राचल वो होते हैं जो किसी भी निकाय पे है ना सीधे इफेक्ट डालते हो, सीधा प्रभाव डालते हो, वो बाह्य प्राचल कहलाते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं बाह्य प्राचल में, जैसे ताप रहा, अपन मान लो कि कोई भी एक प्लास्टिक का डिब्बा मान लो, एक निकाय होता है वो भी एक तरीके से, अगर अपन उस पर ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो पिघल जाता है, उस पर इफेक्ट तो आया ही ना वो। तो जैसे तापमान रहा, दाब रहा, क्षेत्रफल रहा, ये सारे क्या है बाह्य प्राचल में आते हैं ये सारी चीज़ें। तो रुद्रोष्मन्योन्य क्रिया क्या होती है कि वह अन्योन्य क्रिया जिसमें बाह्य प्राचल तथा ऊर्जा स्तर नियत नहीं हो। वे अन्योन्य क्रिया जिसमें बाह्य प्राचल तथा ऊर्जा स्तर नियत ना हो, रुद्रोष में अन्योन्य क्रिया कहलाती है। अच्छा, और जो रुद्रोष्मा अन्योन्य क्रिया होती है ना, अपन इसमें उष्मारोधित पदार्थों का ही यूज करते हैं। अब उष्मारोधित पदार्थ तो जानते ही होंगे क्या होते हैं उष्मारोधित पदार्थ, ये फाइबर वाले अपन लेते हैं ना, फाइबर ग्लास रहा, अभ्रक जैसा, ये सारी चीज़ क्या है रुद्रोष्मा अन्योन्य क्रिया के एक उदाहरण है। और हाँ वही होते हैं वो उष्मारोधित, जो जिससे उष्मा का विनिमय नहीं होता ना, वही होते हैं कि जो उष्मारोधित पदार्थ अपन किस लिए यूज करते हैं, जिससे उष्मा का संचरण ना हो। तो इसमें मैंने क्या लिखवा दिया कि रुद्रोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाती है, इस अन्योन्य क्रिया में उष्मारोधित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। मेरे को यार ये सारी चीज़ें लिखवानी पड़ती है यार, अब क्या ये रिकॉर्डेड वीडियो है, वरना तो अगर क्लास में रहते ना तो मैं कभी नहीं लिखवाता ये सारी चीज़ें, मैं बोल के ही बताता, समझा देता एक बार फिर बोल के बताता। चलो कोई बात नहीं, लिखवाएंगे। उष्मारोधित पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिससे कि उष्मा का विनिमय नहीं हो। अच्छा, तो अब इसके एग्जांपल्स हैं, एक तो फाइबर ग्लास होता है, अभ्रक होता है, यही है जनरली जो इनके एग्जांपल्स हैं। और भी अगर आपको कोई याद आए तो आप वो भी लिख लेना, एग्जांपल हो गए जैसे फाइबर ग्लास लिख लो, अभ्रक लिख लो, ये उष्मारोधित, इसके उष्मारोधित पदार्थों के एग्जांपल हैं। अच्छा, अब अपन पढ़ते हैं कि एक और आती है उष्मा का विनिमय ना हो, भाई उष्मारोधित पदार्थों का यूज कर रहे हैं अपन, कहाँ पे, जिससे कि उष्मा का विनिमय नहीं हो, अपन ये लिख रहे हैं ना कि इस अन्योन्य क्रिया में उष्मारोधित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नहीं समझ में आई आपको बात, और बताऊं, एक होता है कि एक व्यापक अन्योन्य क्रिया और होती है, तो वह अन्योन्य व्यापक अन्योन्य क्रिया क्या होती है कि जिसमें उष्मा का विनिमय भी हो, यानी उष्मा का विनिमय भी हो जाता है और जो अपने ऊर्जा स्तर और ये होते हैं वो भी नियत नहीं होते। अब उस जो मतलब ये क्या है कि जो रुद्रोष्म और वो अन्योन्य क्रिया होती है ना, उसमें अन्योन्य क्रिया, उनका एक कॉम्बिनेशन होता है,
अब उसमें वो उसमें अन्योन्य क्रिया में तो क्या है, अपन बाह्य प्राचल और ये थे ना ऊर्जा स्तर, उनको नियत कर देते हैं, और जो रुद्धोष्म होते हैं इनमें अपन नियत नहीं करते ऊर्जा स्तर और बाह्य प्राचल। पर जो उसमें अन्योन्य क्रिया होती है उसमें क्या है कि जो बाह्य प्राचल भी नियत नहीं होते हैं और ऊर्जा का विनिमय भी हो जाता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना ये, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, व्यापक अन्योन्य क्रिया, जिसमें दोनों अन्योन्य क्रिया आ जाती है। और डरने की कोई बात नहीं, आराम से खुल के पूछा करो। अपना प्रिंसिपल यही है कि अगर एक बार नहीं आएगा वो फिर से बताएंगे, फिर से समझ में नहीं आए फिर से बताएंगे, और फिर से समझ में नहीं आएगा तब भी बताएंगे। और फिर तो आ ही जाएगा समझ में। क्या हुआ देख लो यार, अभी तो वह अन्योन्य क्रिया जिसमें उष्मा का विनिमय भी हो तथा बाह्य प्राचल भी नियत ना हो, एक जो ये वाला वर्ड है ना, इसका बड़ा ध्यान रखोगे, क्योंकि ये इसके चक्कर में है ना, जो सारी जो आप ये डेफिनेशन लिख रहे हो ना उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये इतने से, ये एक ये वर्ड के चक्कर में, या नहीं हो भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है वो। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अपन क्या है कि फ्लो फ्लो में है ना, अपने को याद सारी चीज़ें रहती है, पर फ्लो फ्लो में कई बार क्या है भूल जाते हैं अपन, तो बिल्कुल है ना माइंड को स्टेबल रखे और ये चीज़ों का ध्यान रखना है, कि नहीं तो आप भी देख रहे होंगे कि अगर यही अगर वो हो जाएंगे नियत हो जाएंगे, यहाँ क्या नियत नहीं हो, और अगर यही अगर अपन ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा नियत हो, तो यानी वो तो वो उसमें अन्योन्य क्रिया वाले एग्जाम्पल हो गया सारा, तो जो फिर व्यापक अन्योन्य क्रिया वाला नहीं होता फिर ये, तथा बाह्य प्राचल भी नियत नहीं हो व्यापक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। अच्छा, तो जो एग्जाम्पल तो इसका क्या है कि सही बात यह है कि मेरे को पता नहीं है इसका एग्जाम्पल, और जो ये है ना व्यापक अन्योन्य क्रिया, इसमें अपन क्या करते हैं, जो उष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है ना, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ यानी प्रथम नियम, उसको संतुष्ट करती है ये जो व्यापक अन्योन्य क्रिया, जो अपनी टोटल एनर्जी होती है ना, जो टोटल एनर्जी में चेंज है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा दाब आयतन ऊर्जा होती है ना उसमें परिवर्तन के तुल्य होता है। आपने उष्मागतिकी के शून्य लो, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो जैसे जैसे अपने आएंगी फर्दर में वो सारी चीज़ आपको बता दूंगा। तो अपन क्या लिख लिए, ये लिख लिया ना, तो अब आगे लिखो कि यह अन्योन्य क्रिया उष्मागतिकी के प्रथम नियम को संतुष्ट करती है। हाँ, और एक चीज़ बताऊँ, आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हो ना, इसमें ये एग्जाम्पल की बात ये है कि जो ये तो अपन फर्दर आगे पढ़ेंगे ना, ये टोटल एनर्जी रही, एंथैल्पी रही, एंट्रोफी रही, गिब्स फ्री एनर्जी रही, वो सारा है ना जो इसी के बेस पे है ना,
व्यापक अन्योन्य क्रिया होती है उसी के बेस पे निकालते हैं अपन सारी चीज़ें। यानी एक तरीके से मान लो टोटल एनर्जी होती है ना, वो यहीं से आगे फर्दर निकलती है, तो कुल ऊर्जा का अपन मान निकालते हैं ना, वो यहीं से निकालते हैं। अच्छा, तो उष्मा गति कौन कह रहा है? नहीं नहीं, फिलहाल तो हुआ नहीं यार अभी तक। तो किताबें की बात करूँ, अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो आपको नहीं खरीदोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो मैं तो सही बात बताऊँ, क्यों आपको यहाँ सारी चीज़ें मैं बता ही रहा हूँ। बुक्स खरीदोगे सेल्फ, जो अपने आत्म संतुष्टि के लिए है ना, सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए, एक बार आप लाइब्रेरी से बुक्स ले लेना, एक दो दिन देखना वापस है ना, देख के और यहीं जमा करा देना, फालतू में पैसा ख़राब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी बुक्स क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में खरीदी होंगी? नहीं, फिजिक्स की तो खरीदने की ज़रूरत नहीं, मैथमेटिक्स की तो खरीद लो आप खरीदना चाहो तो, वो तो वहाँ क्या है अपने को क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। फिजिक्स की में भी खरीद लो, देखो मैं खरीदने के लिए कभी मना नहीं करता। बाकी फिर यही होता है कि यार कि होता क्या है कि आप खरीद तो लोगे पर फिर वो है ना जो शुरू से लेकर लास्ट तक वो रखी रहती है, कोई यूज में ही नहीं आती वो कभी। आपने शायद फर्स्ट ईयर में खरीदी भी होंगी ना तो देखा होगा, पढ़े थे क्या कभी बुक्स फर्स्ट ईयर में? देखी थी? अरे यार वो एक अलग सीन है, आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा इस वजह से पढ़ ली होगी आपने ऑप्टिक्स। कोई बात नहीं है, तो खरीद ली तो अच्छी बात है, पढ़ोगे तो और भी अच्छी बात है। बाकी एक बार सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। अच्छा, यह न्यूनीकृत उष्मागतिकी के प्रथम नियम को संतुष्ट करती है। तो जो अपने उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अच्छा, अब यहाँ डी डब्ल्यू क्या आता है? डी डब्ल्यू होता है दाब आयतन ऊर्जा यानी पी डी वी, और इसमें फर्दर क्या है कि एक टर्म और जुड़ती है, वो केमिकल पोटेंशियल वाली है। तो ये क्या है कि अभी आपकी यूज नहीं आएगी वो केमिकल पोटेंशियल वाली, फर्दर आगे यूज आएगी। तो जहाँ जहाँ वो क्या है अपने जनरली जो बात करते हैं ना वहाँ यूज़ नहीं आती, तो जो म्यूडियन से लिखते हैं अपन उसको, तो जहाँ जहाँ यूज आएगी मैं आपको वो चीज़ वहाँ वहाँ बता दूंगा कि आपको ये चीज़ यहाँ जरूर आएगी, तो आपको ये चीज़ यहाँ कंसिडर करके चलनी है। ठीक है, वहाँ आपको विचार करके चलना है उस चीज़ का। तो यहाँ चूँकि डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी हो गया, तो अपन डी डब्ल्यू की जगह रख ही सकते हैं ये मान। तो ये क्या हो गया, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, यही उष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। वैसे अपन इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, बात एक ही है। तो लिख लिया आपने ये सारी चीज़? डी यू बराबर स्थिति ऊर्जा। ना 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 ना, वो अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ ये जो U है ना, हाँ हाँ वो मैं लिखवा रहा हूँ, वो नीचे आ गया ना, वो मैं लिखवाऊँगा सारी चीज़ें। यार ऐसा थोड़े ना है, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। लिख लिया यहाँ तक? डी ए डी 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 ये डी, हाँ अपन चेंज है ये चेंज, अपन स्मॉल चेंज लेते हैं ना, वही है ये डी। वैसे अवकलन होता है वो चेंज के लिए अपन दर्शाते हैं उसको। यहाँ नीचे एक लाइन लिख लेना कि यह उष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहलाता है, ये हो रही है एक ही बात है, ये है ना, लिख लिए। अच्छा, तो फर्दर आगे चलते हैं। तो जो अपना ये होता है ना डी क्यू, ये तो होता है कि इसके निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन। जो डी क्यू होता है वो तो निकाय की कुल ऊर्जा है, डी यू है वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है, और जो पी डी यू है वो निकाय की दाबायतन ऊर्जा है। वेयर डी क्यू बराबर निकाय की
कुल ऊर्जा, और जो डी यू है जो आप स्थितिज ऊर्जा कह रहे थे ना वो नहीं होगी, ये निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, वो अलग चीज़ हो जाती है, वो अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें, ये अपन थर्मो पढ़ रहे हैं। ये निकाय की आंतरिक ऊर्जा हो गई, और जो पीडीवी है जिसको आप डीडब्ल्यू के लिए कह रहे थे ना वो एक ही बात है, डीडब्ल्यू और पीडीवी भाई उसकी जगह अपन वही तो चीज़ लिखा है ना, तो ये क्या होती है, दाब आयतन ऊर्जा होती है ये भाई। दाब आयतन ऊर्जा क्यों होती है ये, कि इसमें पी यानी प्रेशर भी आ रहा है, दाब भी आ रहा है, और वी वॉल्यूम होता है जिसको अपन आयतन बोलते हैं, तो ये निकाय की दाब आयतन ऊर्जा होती है। ये लिख लो, अच्छा तो अब क्या है कि जो ये अपन ने अभी ये पढ़ी थी ना, व्यापक अन्योन्य क्रिया, उष्मीय अन्योन्य क्रिया, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, अब इनको क्या है कि अपन एक एग्जांपल से और समझते हैं, कि अपन क्या है कि एक बेलनाकार वो लेते हैं, निकाय लेते हैं, वैसे कोई सा भी निकाय ले सकते हैं, बेलनाकार जरूरी नहीं है, पर मैं एक क्या समझाने के वैसे वो चीज़ ले रहा हूँ मैं। एक पहले ये एक निकाय है, अगर मैं इसमें एक पिस्टन लगा दूं बीच में, तो फिर ये क्या है, दो उसमें टूट जाता है, ए और अपन इसको मान लेते हैं ए डैश। अब क्या होता है, अब सीधी सी बात है, अपन जो ये पिस्टन है, यानी मान लो एक तरीके से एक लकड़ी मान लो इस निकाय के, मान लो जैसे मैं बताऊं आपको, ये बोर्ड है मान लो, अगर मैं यहाँ पे ये इतना बोर्ड है, ये मान लो ये इतना मान लो, चलो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लगा दिया एक तरीके से, ये इसके लिए क्या हो गया, पिस्टन हो गया ये। अगर मैं इस पिस्टन को अगर मैं इधर इधर मूव कराऊंगा ना, इधर उधर गति कराऊंगा, तो इसके क्या है कि इसके दाब में भी चेंज होगा, इसके आयतन में भी चेंज होगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि अपन है ना फर्दर अपन मुँह करा करा के देखते हैं कि कौन सी चीज़ के लिए कि उसमें अन्योन्य क्रिया होगी, उस कौन से के लिए रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया होगी, कौन से के लिए व्यापक अन्योन्य क्रिया होगी। अब अपन क्या करते हैं कि यदि अपन पिस्टन को नियत कर दे, उसमें अन्य क्रिया क्या थी कि अपन बाह्य प्राचल और ऊर्जा स्तर को नियत कर दे, तो यहाँ पे ये क्या है कि अगर अपन ये पिस्टन है ना, अगर अपन इसको कांस्टेंट कर दे, नियत कर दे, तो क्या होगा, अगर अपन इसको नियत कर दे और ये उष्मारोधित पदार्थ से निर्मित हो, निर्मित नहीं हो, अगर अपन इसको नियत कर दें और ये उष्मा रोधित पदार्थ से निर्मित ना हो, तो इसमें क्या होगा कि उष्मा का संचरण हो जाता है। आगे बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ये जैसे है, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, और जो उष्मा रोधित पदार्थ होते हैं वो क्या है, उष्मा का संचरण नहीं होने देते, तो ये उष्मा रोधित पदार्थ उसे बने हुए ही नहीं है, तो उष्मा का संचरण होगा ही होगा, तो उष्मा का संचरण हो जाएगा, तो ये क्या कहलाती है, ये तो इसमें क्या ऊर्जा का संचरण हो गया, तो ये उष्मा अन्योन्य क्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसमें संचरण कहलाएगा, तो वो क्या है, उसमें संचरण वाली जो मैंने सबसे पहले पहले डेफिनेशन बताई थी वो हो जाती है। तो अपन इसमें तुम लिख लो, अब मैं लिखूंगा नहीं ऐसे, चलो लिखो अब तुम, यदि पिस्टन को नियत कर दे, अब यार बोर्ड पे कितना लिखाऊं यार मैं, अब तुम बच्चे तो रहे नहीं, वीडियो में तो यार अब लिखूं क्या मैं, वैसे बोल ही रहा हूँ यार, अब क्या है कि मैंने सारी चीज़ लिखवा दी, अब तुम थोड़ा सा तो लिख ही लोगे यार। यदि पिस्टन को नियत कर दे, वैसे मैं एक ही बात को दो तीन बार रिपीट कर दूंगा, तो आराम से लिख सकते हो तुम, यदि पिस्टन को नियत कर दे तथा पिस्टन उष्मारोधित पदार्थ से निर्मित ना हो, तथा पिस्टन उष्मारोधित पदार्थ से निर्मित ना हो, तो इन निकायों के मध्य, तो इन निकायों के मध्य उष्मा का संचरण होता है,
और ब्रैकेट बना के लिख लो कि उष्मा एक निकाय से उष्मा का एक निकाय से दूसरे निकाय की तरफ, वो उष्मा एक निकाय से दूसरे निकाय की तरफ संचरित होती है। कोष्टक में क्या लिखोगे, उष्मा का एक, उष्मा एक निकाय से दूसरे निकाय में संचरित होती है। ब्रैकेट बंद, तथा निकाय के दाब में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया उष्मीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। ये यही है इसकी डेफिनेशन। अब फर्दर अपन आगे चलते हैं कि ये तो हो गई उष्मोन्य अन्योन्य क्रिया। अब रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया क्या होती है कि अगर उसमें पिस्टन को भी गति कराए और जो ये उष्मा और जो ये पिस्टन है ये उष्मारोधित पदार्थ से भी निर्मित हो, तो जो उस टाइम जो अन्योन्य क्रिया होती है ना वो क्या होती है, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, क्योंकि उसमें बाह्य प्राचल होते हैं ना वो परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा लिखो, यदि पिस्टन उष्मारोधी हो तथा पिस्टन को गति कराएं, यदि पिस्टन उष्मारोधी हो तथा पिस्टन को गति कराएं, तो निकाय के बाह्य प्राचल परिवर्तित हो जाते हैं। यदि पिस्टन उष्मारोधी हो तथा पिस्टन को गति कराएं, तो निकाय के बाह्य प्राचल परिवर्तित हो जाते हैं। अतः इस प्रकार अर्थार्थ लिखो, एक लाइन और लिख लो इसमें, अर्थार्थ इस स्थिति में एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य किया जाता है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया रुद्धोष में अन्योन्य क्रिया कहलाती है। अच्छा तो ये अपने क्या हो गया, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। अब अपन फर्दर देखते हैं व्यापक अन्योन्य क्रिया क्या होती है। तो व्यापक अन्योन्य क्रिया वो होती है जिसमें अपन ना जो पिस्टन होता है ना वो उष्मारोधित पदार्थ से भी निर्मित नहीं हो और पिस्टन को गति कराएं, यानी अपन पिस्टन को, जो ये पिस्टन है ना अपन इसको इधर उधर मूव भी कराएं और जो ये पिस्टन है वो उष्मारोधित पदार्थ से निर्मित भी नहीं हो। तो जो इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया होती है ना ये क्या होती है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उष्मीय अन्योन्य क्रिया का और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया का, तो यह अन्योन्य क्रिया व्यापक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। तो लिखो आगे, यदि उष्मारोधित पदार्थ से निर्मित पिस्टन नहीं हो, यदि उष्मारोधित पदार्थ से निर्मित पिस्टन नहीं हो और पिस्टन को गति कराएं, तो इस समय निकायों के मध्य उष्मीय एवं रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया होती है। तो इस समय इन निकायों के मध्य उष्मीय और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं होती है।
इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। और जो ये रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया होती है ना, इसको अपन यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं। आगे इस बात समझ में? अच्छा, फर्दर अपन आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं अपने एंथैल्पी। अब मैं क्या, ये जो तीन चार टॉपिक कराऊंगा, अब एंथैल्पी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई, फिर फर्दर आगे चलते हैं तो अपन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी पढ़ते हैं और वो मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ते हैं। जो ये अब तीन चार टॉपिक होंगे ना, यहाँ से क्या है कि हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। एक हाँ, तो यही तो मैं बता ही रहा हूँ ना ये भी कि एंट्रोपी रही, एंथैल्पी रही, गिब्स फ्री एनर्जी रही, फर्दर आगे चलते हैं तो मैक्सवेल्स इक्वेशन आएगी, यानी मैक्सवेल के समीकरण आएंगे। तो यहाँ से क्या है कि एक क्वेश्चन जरूर आता ही है। पिछले आप कोई से भी पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से क्या है, जो तीन चार टॉपिक है ना, यहाँ से एक बड़ा नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब जो पढ़ना है ना, वो थोड़ी चीज़ें ढंग से पढ़नी है। तो हेडिंग डालो एंथैल्पी। क्या आप नोटबुक तो लाते हो नहीं ढंग की? अब मेरे को पता है इसमें से भी लिख लोगे क्या, आप बना लोगे क्या नोट्स बना लोगे क्या? वीडियो में देख लेना। वैसे क्या है, मैंने जो भी दो तीन लेक्चर पढ़ाए हैं ना, वो सब में क्या है, मैंने लिखवा के ही वो करे हैं। अब बस आज ही मैं बोल के बता रहा हूँ ये चीज़ें, वरना तुम्हें सारी चीज़ें लिखवा रखी है उसमें मैंने ढंग से, तो वहाँ से आप नोट्स बना लें। अब यार वो यार, अब ये चीज़ तो यार अब ये चीज़ मेरी प्रॉब्लम थोड़े ना यार, ये तो आप यहाँ एक बार है ना इंस्टीट्यूट में बात करके। अच्छा, जो एंथैल्पी होती है ना अपनी, एंथैल्पी क्या है कि एंथैल्पी भी एक तरीके से जो अपनी टोटल एनर्जी होती है ना, वही अपनी एंथैल्पी होती है। तो और अपन एंथैल्पी को किससे व्यक्त करते हैं, एच से। जो टोटल एनर्जी होती है ना, वही एक एंथैल्पी का एक, मान लो टोटल एनर्जी ही एंथैल्पी का एक अलग रूप है। तो अपन लिखते हैं एंथैल्पी। अरे यार लिख लेना बड़ी ई की, छोटी ई की। अब हिंदी यार थोड़ी वीक है, तो कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट कर लेना। चलो मैं लिखवा ही देता हूँ, तुम यार हिंदी भी सुधारोगे क्या मेरी? ऐसे चलो, थैंक यू, आगे से ध्यान रखेंगे, एंथैल्पी ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, तो लिखो निकाय की कुल ऊर्जा उष्मा गति की भौतिकी में एक नई राशि द्वारा परिभाषित की जाती है। ये थोड़ा मेन टॉपिक है तो मैं लिख देता हूँ। निकाय की कुल ऊर्जा उष्मा गति की भौतिकी में एक नई राशि द्वारा व्यक्त की जाती है। इस भौतिक राशि को एंथैल्पी कहते हैं और इसे एच से डिनोट करते हैं। इस भौतिक राशि को एंथैल्पी, अब सही है ना, एंथैल्पी कहते हैं तथा इसे एच से व्यक्त करते हैं। अच्छा, तो एंथैल्पी क्या होती है,
एच बराबर यू प्लस पी वी, जो फर्स्ट लॉ था उसमें भी यही था, बस वहाँ चेंज था, यहाँ पे ये पूरी पूरी है। यानी ये तो है निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ये इसकी दाबायतन ऊर्जा होती है, और ये जो टोटल एनर्जी इन दोनों का योग है वो एंथैल्पी कहलाती है। अच्छा ये भी लिखी लो, मैं लिखवाई देता हूँ, एंथैल्पी का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा दाबायतन ऊर्जा के योग के तुल्य होता है। क्या हुआ, बोलो बोलो। वी ए वी एच बराबर यू प्लस पी वी, हाँ कोई बात नहीं है, मैं बता दिया, पूछ लिया करो यार। देखो पूछने में कोई टेंशन वो आपको वो नहीं होनी चाहिए भाई, हम बताने के लिए तो खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा मैंने क्या बताया कि एंथैल्पी का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा दाबायतन ऊर्जा के योग के तुल्य होता है। एंथैल्पी का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा U तथा दाबायतन ऊर्जा PV के योग के तुल्य होता है। लिख लिया यहाँ तक, अब अपन इसका क्या मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। भाई जो इसकी लैंग्वेज थी वो तो मैंने बताई थी कि ये किसको डिनोट करता है, टोटल एनर्जी को डिनोट करता है। फोन को अंदर रख लो। अच्छा और अपन इसको किससे देखेंगे, जो थर्मोडायनामिक्स का मैंने अभी फर्स्ट लो बताया था ना, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, रख लो अंदर इसको यार। तो फोन आ रहा है तो फोन अंदर रखा नहीं जाता क्या? अच्छा तो अपन क्या करते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अच्छा तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, अपन यहाँ डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, बाकी अपने को फर्दर मैं चलो एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ यार। फिर क्या है, अभी तुम्हारे तो समझ में आ गया पर फिर रिकॉर्डेड में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब फर्दर अपन इसमें क्या करते हैं कि अपन केस लेते हैं कि अगर मैं सबसे पहले अगर वॉल्यूम है आयतन है अगर मैं इसको नियत कर दूं तो क्या होता है। अब सीधी सी बात है, अब अगर मैं वॉल्यूम को नियत कर दूं और अपन किसी भी चीज़ के अगर नियत राशि का अगर अपन डेरिवेटिव करते हैं तो जीरो हो जाता है वो, तो जो इसकी टोटल एनर्जी है वो किसके किसके इक्वल हो जाएगी, इसके आंतरिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं कि यदि निकाय के आयतन को नियत कर दिया जाए तो चूंकि V बराबर कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, अब V नियत हो गया तो dV क्या हो जाएगा,
डी वी बराबर जीरो हो गया। अब डी वी जीरो हो गया तो समीकरण एक में डी वी की वैल्यू रखने पर समीकरण एक से तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर डी यू। इसको समीकरण दो दे दो। लिख लिया यहाँ तक आपने, कर दूँ साफ। अच्छा तो अब आपको समीकरण दो से क्या दिख रहा है कि समीकरण दो से आपको सीधी सी बातें दिख रहा है कि जो अगर अपन जिसका वॉल्यूम है आयतन है अगर अपन इसको नियत कर देते हैं तो जो इसकी जो ये टोटल एनर्जी है ना कुल ऊर्जा में परिवर्तन उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। तो ये लाइन अपने को लिख लेते हैं, ये भी समीकरण दो से स्पष्ट है कि यदि आयतन V को नियत कर दिया जाए तो निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन, भाई ये चेंज ही तो है डी, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। हाँ तुल्य होगी, एक ही बात है यार, तुल्य होगी, लिख लो। वैसे होता ही है, होता है ना, वही लिखने में आता है, यहाँ पे तुल्य होती है, अपन चेक करके ही तो देख रहे हैं तो इस वजह से तुल्य होती है ही आएगी यहाँ पे। तो ये चीज़ लिखो एक बार, मैं इंक डाल लेता हूँ यार इसमें, क्या हो गया, कौन सा चिन्ह, अरे फुल स्टॉप है ये तो। अब इसमें फर्दर अपन क्या करेंगे, फर्दर का मतलब आगे होता है कि अपन आगे क्या करने वाले हैं, कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं। अच्छा यहाँ तो अपन ने क्या किया था, इसका वॉल्यूम को कांस्टेंट किया था जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था उसमें। अब अपन इसी में क्या करेंगे, अगर अपन जो इसके है ना दाब है पी है अगर उसमें अगर उसको नियत कर देते हैं तो उस समय क्या होता है, अगर अपन इसको दाब को नियत कर देते हैं तो जो प्रारंभिक स्थिति है ना उसमें तो आयतन हो जाएगा वी वन हो जाएगा और जो उसकी आंतरिक ऊर्जा है वो यू वन हो जाएगी और जो अंतिम स्थिति है दाब को नियत करने पे उसका आयतन क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा और जो उसकी वो आंतरिक ऊर्जा है वो UT हो जाएगी। तो ये भी अपन लिखेंगे,
अपने को क्या पता तो चल ही गया भी एंथैल्पी होती क्या है, पर इसका क्या है कि अपन चेक कर करके देख रहे हैं कि वास्तव में जो मैंने क्या बताया था कि एंथैल्पी टोटल एनर्जी को डिनोट करती है, तो यहाँ भी डी यू इक्वल टू क्या आ गया, डी क्यू, यानी आंतरिक ऊर्जा टोटल जो ऊर्जा है उसके परिवर्तन की तुल्य है, बाकी है तो टोटल एनर्जी ना वो भी, तो बस अपन ये चेक करके देख रहे हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म यही होता है, अपन चेक कर करके देखते हैं इसमें। तो क्या लिख, हाँ समीकरण एक से लिख लो, तो समीकरण एक क्या था अपना, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, ये अपना समीकरण एक था, इसको साइड में लिखे रहने दो, ये मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। तो अगर समीकरण एक में अगर अपन जो ये प्रेशर है ना पी, अगर अपन इसको नियत कर देते हैं तो जो प्रारंभिक स्थिति में आयतन होगा वो तो V1 हो जाएगा और आंतरिक ऊर्जा वो U1 हो जाएगी। यदि दाब को नियत कर दिया जाए तो प्रारंभिक स्थिति में निकाय का आयतन V1 होगा तथा आंतरिक ऊर्जा U1 होगी। इसी प्रकार अंतिम स्थिति में उसका आयतन V2 हो जाएगा और जो इंटरनल एनर्जी है यानी आंतरिक ऊर्जा है वो U2 हो जाएगी। इसी प्रकार अंतिम स्थिति में निकाय का आयतन V2 होगा तथा आंतरिक ऊर्जा है वो U2 होगी। अच्छा तो अब अपन लिख लेते हैं, अब अपन क्या कर रहे हैं कि जो निकाय की ये ऊर्जा है और आयतन है अपन ने वो बता दिया है, अब इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, क्यों अपने को तो चेंज लेना है यहाँ पे, क्यों जो अपन यहाँ रखेंगे तो चेंज के हिसाब से लेंगे, क्यों ये डी यू है तो यहाँ पे भी ये U2 माइनस U1 कर देंगे और जो V है वहाँ पे भी V2 माइनस V1 कर देंगे। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण एक में, वो समीकरण एक से डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वो U2 माइनस U1, क्यों चेंज ले रहे हैं तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है या इनिशियल माइनस फाइनल होता है, जैसे अपने को रिक्वायरमेंट होती है अपन उस हिसाब से वो चीज़ ले लेते हैं। तो U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1 हो जाएगा ये। अच्छा अब इसको अपन जो P है अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी नहीं आएगा, अपन भाई ये चीज़ यहाँ भी चेंज को वो व्यक्त कर रही है और ये चीज़ भी तो चेंज को व्यक्त करती है ना, तो अपन डी यहाँ से इससे डी है ना यहाँ से रिप्लेस कर दिए इनसे, भाई यहाँ पे भी जो डी यू था वो भी वो डी चेंज को व्यक्त कर रहा था, तो यहाँ अपन ने चेंज ले लिया ना इनका, तो ये इसी चीज़ को वो इससे है ना वो चीज़ रिप्लेस हो गई डी। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। अच्छा अब एंथैल्पी क्या होती है, आपने वो मैंने आपको बताया था क्या होती है, U प्लस PV होती है एंथैल्पी। तो अपन क्या करेंगे, U2 और PV2 को एक साथ लिख लेंगे और U1 और PV1 को एक साथ लिख लेंगे, तो DQ बराबर
U2 प्लस PV2। और मेरे को एक स्टेप और लिखनी पड़ जाएगी, मैं ऐसे समझा दूँ कि या अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, U1 प्लस PV1 हो जाएगा। आया समझ में? चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, U1 माइनस PV1 हो गया। तो दिख तो रहा है ना यार, हाँ दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा U2 प्लस ये PV2 हो गया। और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 12 जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, U1 प्लस PV1 हो जाएगा। तो ये तो होती है निकाय की अंतिम अवस्था में एंथैल्पी, और ये निकाय की प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी है। यहां तक लिखो, और इसको इक्वेशन 3 दे दो, समीकरण 3। लिख लिया, कर दूँ साफ? तो बता दिया करो यार, क्यों अब लेक्चर है ना 1 घंटे से ऊपर होने वाला है। अब ये तो कंप्लीट कर ही देते हैं एंथैल्पी तो। अच्छा, जो समीकरण 3 था उसे क्या स्पष्ट था कि निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन, यानी DQ इक्वल टू वही था ना, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। तो निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन, निकाय की प्रारंभ वो अंतिम अवस्था में कुल ऊर्जा तथा निकाय की प्रारंभिक अवस्था में कुल ऊर्जा के परिवर्तन के तुल्य होता है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन, तो कुल ऊर्जा में परिवर्तन क्या था, DQ, निकाय की अंतिम अवस्था में कुल ऊर्जा तथा निकाय की प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में कुल ऊर्जा के अंतर के तुल्य है। यहाँ तक छापो। लिख लिया, तो निकाय की अंतिम अवस्था तथा प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा में अंतर को एंथैल्पी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और एंथैल्पी को मैंने बता दिया था, एच से डिनोट करते हैं। लिखो,
समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें सारी चीज़ें? तुम्हें कहाँ पे निकाही की अंतिम अवस्था तथा प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा में अंतर? ऊर्जा में भाई, एनर्जी में ही तो अंतर हो रहा है ना उनमें। तुम हिंदी में भी पढ़, हिंदी भी कर रहे हो क्या साथ में कहीं पढ़ने की थी? हैं, सही है नहीं? एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना, यही होती है। यहाँ अगर मैं के लिखूंगा ना ऊर्जा के अंतर को, एंथैल्पी कहते हैं, ऊर्जा के में ही तो अंतर हो रहा है ना, कि प्रारंभिक वो अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, तो उन ऊर्जा में ही तो अंतर हो रहा है ना, वही तो चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। ये हो गया, अपने एक घंटे का पूरा हो चुका, अब थोड़ा तो दो तीन बातें हो रहे हैं। अब यार ये तो मेरे को पता नहीं है कि कौन से उसमें है। यूट्यूब पे डलेंगे तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा दिक्कत तो होती नहीं है, यूट्यूब पे तो क्या है। अब यार ये चीज़ अब तो अपने नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी शायद, है? अब क्वालिटी का यार अब मैं क्या करूँ यार, अब बताओ। जो रिकॉर्डेड अब जो मेरे को मिला है, मैं तो उसी चीज़ से रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना। अच्छा, तो अंतिम अवस्था में एंथैल्पी क्या है? दो तीन लाइनों का हो रहा है। अब H2 बराबर U2 प्लस PV2 हो गया। इसी प्रकार प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी, प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी क्या हो जाएगी? H1 बराबर U1 प्लस PV1 हो जाएगा। तो अपन इस चीज़ को वहाँ रख देते हैं जो अपना समीकरण नंबर 3 था ना वहाँ पे, तो वो क्या था समीकरण 3 से? DQ बराबर H2 माइनस H1 हो जाएगा। और ये H2 माइनस H1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? DH लिख सकता हूँ, क्यों? ये भी उसमें चेंज को व्यक्त कर रहा है, और DH है वो भी चेंज को व्यक्त करता है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? DQ बराबर DH। ये हो गए समीकरण नंबर 4, और ये यहाँ होता है ख़त्म। तो समीकरण 4 से क्या दिख रहा है तुम्हें, ये चीज़ मैं लिखवा देता हूँ ऊपर। यहाँ कहाँ तक लिख लिया तुमने? यहाँ तक साफ कर देता हूँ मैं। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि निकाय की कुल ऊर्जा में परिवर्तन उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन के तुल्य होता है। ये यहाँ ख़त्म हो जाता है आपका एंथैल्पी। और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता हो तो भाई, अपन यहाँ चेंज में लिख रहे हैं तो अपन इसको यू भी लिख सकते हैं, यू बराबर एच, यानी निकाय की कुल ऊर्जा एंथैल्पी के द्वारा भी व्यक्त की जाती है। ठीक है, निकाय की कुल ऊर्जा एंथैल्पी द्वारा भी व्यक्त की जाती है।
ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है आपका, और अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद फर्दर अपन आगे चलेंगे एंट्रोपी पढ़ेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशंस देखेंगे, एंथैल्पी का ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।